नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के एपिसोड में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्रा ट्रेडर। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले कॉनकॉर शेयर के बारे में, जो कि बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। फ्राइडे को 5 से 5.5% की गिरावट के साथ यहां पर बंद हुआ था और साथ साथ इस स्टॉक के रिजल्ट भी आए थे, इसी वजह से शायद ये गिरा था या टेक्निकल एस्पेक्ट थे इसके गिरने के कारण। चलिए पता लगाते हैं, इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे की तरफ कर दिया है स्टॉक ने, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट भी ऑलरेडी मौजूद है जिसके चलते शेयर को सिर्फ 5.5% पर रोक लिया गया। नहीं तो अगर ये सपोर्ट ना होता तो शेयर और भी नीचे जा सकता था। अब यहाँ पर ट्रेडर के लिए एक मौका बन गया है आने वाले सेशन में। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है आने वाले सेशन में तो आप आराम से शॉर्ट मारकर यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं आने वाले सेशन में। आप सोच रहे होंगे ये चार्ट पैटर्न कौन से हैं, क्या है इनके बारे में। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कल ही हमारा एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम चार्ट पैटर्न को विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं जिसके बारे में हम कल की वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे, तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और साथ साथ अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की है वो जाके जरूर देखिएगा। हम यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस सीरीज अभी चला रहे हैं, उससे पहले हमने बेसिक और स्टॉक मार्केट की सीरीज भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कॉनकॉर की यहाँ पर बात करते हैं। इतना बड़ा यहाँ पर गिरावट आई शेयर में, उसके पीछे कारण एक तो टेक्निकल हमने जान लिया कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके चलते भी यहाँ पर शेयर में गिरावट आई। और साथ ही साथ यहाँ पर हम नज़र डाल लेते हैं कंपनी के रिजल्ट पर, जो कि यहाँ पर थोड़ा अनुमान से कम आया है। इसके चलते भी पहले देख लेते हैं रेवेन्यू क्या आया है यहाँ पर स्टॉक का। अच्छा खासा रेवेन्यू है जो पिछले बार से लगातार 2-3 बार से अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं। हमने बताया था अगर आपको कुछ समझ ना आया तो सीधा प्रॉफिट पे जाइए। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, यहाँ जाकर नेट प्रॉफिट यहाँ पर 256 करोड़ आया है, जो कि पिछले बार आया था 286। और वैसे तो अगर पिछले मार्च से कंपेयर करी जाए तो उससे भी कम यहाँ पर इस शेयर का प्रॉफिट आया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रॉफिट कम होने के कारण शेयर में गिरावट आई है, लेकिन उसके पहले भी कौन सा शेयर यहाँ पर अच्छा ही चल रहा था, पहले भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। चलिए RSI लगा कर देख लेते हैं यहाँ पर कि RSI हमें क्या बता रही है स्टॉक के बारे में। RSI पर नज़र डालें तो RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुँच चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये येलो वाली लाइन जो है ये एवरेज लाइन है और पर्पल वाली लाइन जो है वो है यहाँ पर RSI की लाइन। तो ये भी हो सकता है, RSI हमें ये सजेस्ट कर रही है कि इस शेयर में थोड़ी सी खरीदारी भी आ सकती है। तो बस यहाँ पर खेल है इस सपोर्ट लेवल का। अगर सपोर्ट लेवल को होल्ड करती है तो यहीं से खरीदारी आकर ऊपर भी जा सकता है। देखिए, जब भी यहाँ पर ओवरसोल्ड होता है कोई भी शेयर तो उसमें तेजी आती है, अगर ओवरबॉट हो जाता है तो उस शेयर में हमेशा गिरावट है। ये नज़र आपको जरूर देखना होगा। ये RSI बड़ी कमाल की चीज़ है, इंडिकेटर जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोनों तरह के ट्रेंड मिल रहे हैं, दोनों तरह के ट्रेड मिल सकती है हमें इंट्राडे में, मंडे के सेशन में, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पर OI एक्टिविटी भी देख लेते हैं, कैसी है OI एक्टिविटी। OI एक्टिविटी ओपन इंटरेस्ट है, जो कि FNO सेगमेंट में जो भी शेयर की खरीद बिक्री होती है उसमें आपको इससे पता लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन सेलर क्या कर रहे हैं, उनके ही हिसाब से चलता है मार्केट। अगर आपको मार्केट के बारे में जानना है तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। तो ऑप्शन सेलर देखते हैं, यहाँ पर खूब सारे राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर यहाँ पर देखिए 600 पर भी बैठे हैं, 600 के प्राइस पे बैठे हैं, उसके बाद देखिए 610 पे भी है, 620 पे भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखिए काफी सारे कॉल राइटर यहाँ पर मौजूद है जो कि इस शेयर को ऊपर बढ़ने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पर हम नज़र डाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ देख लिए अगली एक्सपायरी में भी, ये तो इस मंथ की एक्सपायरी थी, अगली एक्सपायरी में भी 600 से ऊपर जाने की यहाँ पर संभावना कम लग रही है इस शेयर में। बाकी डेली में भी यहाँ पर देखिए खूब सारी यहाँ पर
कॉल राइटिंग हुई है, जबकि पुट बहुत ही कम है। पुट में देखा जाए तो हाईएस्ट पुट यहाँ पर 600 के प्राइस पे ही है, उसके बाद हल्का हल्का कम कम हो रहा है, तो 540 एक हर्डल है। उसके बाद तो यहाँ पर हमें कॉल राइटर नजर आ रहा है, पुट राइटर ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 540 का यहाँ पर हमें दिख रहा है, अगर नीचे जाएगा तो 540 तक ये शेयर नीचे जा सकता है। 540 तो बहुत बड़ी यहाँ पर हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। 573 पे है तो 540 तक की यहाँ पर हमें एक गैप दिख रहा है जिसको फिल कर सकता है ये स्टॉक। तो अपनी डिसीजन लेकर यहाँ पर इस शेयर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर जिस दोस्त की पोजीशन है वो यहाँ पर सपोर्ट लेवल को टूटने का इंतजार कर सकता है। बाकी ये कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी है, प्रमोटर है इस कंपनी में वो प्रेसिडेंट ऑफ रेलवे है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आती है कंपनी और लॉजिस्टिक का काम करती है। जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनको रेलवे से, एयर से या फिर किसी भी तरह से ये इधर से उधर ट्रांसफर करती है। बड़े बड़े सामान जैसे इसमें जाते हैं, ये ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं ऐसे कंटेनर, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए रिटर्न अभी भी देखिए पिछले साल से कोई भी रिटर्न नहीं है, न 6 महीने से, न साल भर से, न 1 मंथ से, न 1 वीक से। तो किसी भी हालत में शेयर में रिटर्न नहीं पा रहे हैं इन्वेस्टर, तो यही दिक्कत की बात है। ऊपर से रिजल्ट भी कुछ ज़्यादा खास नहीं आए। एक जो पॉजिटिव पॉइंट है इस शेयर में वो है RSI की, RSI ओवरसोल्ड हो चुकी है, इसके लिए एक चांस बनता है कि इसमें उछाल भी आ सकता है, लेकिन बाकी सब सिग्नल यहाँ पर गिरावट के नजर आ रहे हैं। तो आप सोच समझ के इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक दोस्तों अगर आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक और स्टॉक मार्केट दोनों सीरीज आपके स्क्रीन पर आ चुकी हैं। आप सीखते रहिए और अपने नुकसान से बचिए और प्रॉफिट कीजिए, यही मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।